सीजन पार्टी लॉन्च लाया महाबचत ऑफर, अपनी शादी को बनाए यादगार। द फोर सीजन पार्टी लॉन्च के साथ मेक योर इवेंट मेमोरेबल। 785 महावीर चौराहा नूरुल्ला रोड करैली प्रयागराज। मंत्री जी के मौसी के लड़के ये कमलकांत केसरवानी लाला ये है, जबरदस्ती देखिए मकान में रंग कर रही है, देखिए जा रहे हैं ये इतनी बड़ी गुंडई हो गई है, घर में चढ़ के मारते हैं। नंदगोपाल गुप्ता नंदी, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ के जो है मिनिस्टर है। भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी द्वारा अपने घर की तरफ जाने वाले सड़क के सभी मकानों को जबरदस्ती भगवा रंग में रंगवा दिया गया। वहां रह रहे रविंद्र गुप्ता जिन्होंने अपना घर पुतवाने से मना किया, तो नंदी के मौसी के लड़के कमल कुमार केशरवानी लाला ने अपने लोगों के साथ उन सभी के घरों में पर जाकर गाली गलौज की और मना करने पर जान से मारने की धमकी का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता मीडिया में जवाब देने से बचते रहे। वहीं मंत्री के प्रभाव से डरकर विरोध सब चुप रहे, लेकिन दो लोग जिन्होंने थाने में लिखित शिकायत की है पर एक तहरीर पर अज्ञात में मामला दर्ज किया, तो दूसरी तहरीर पर नंदी के मौसी के लड़के का नाम पर मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने जबरदस्ती मकान रंगने वाले की निंदा की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और सीएम योगी से पूरे मामले पर मंत्री नंदी के खिलाफ जांच की मांग की है। नंदी जी के लोगों के द्वारा कल जिस तरह से बहादुरगंज में जबरदस्ती भगवा कलर में गली को पेंट करने की कोशिश की गई और लोगों के साथ गाली गलौज और अभद्र भाषा में बात करते हुए दिखाया जा रहा है, वो सरासर गलत है। आज लोकतंत्र के इस देश में इस तरह की घटना बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जो भी उचित कार्रवाई है वो करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रयागराज में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे निकलें और किसकी अनुमति पर पूरी गली को पेंट करवाया गया, ये सब जांच का विषय है। और मैं ये मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसके ऊपर उसको इस घटना को संज्ञान में लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।